लास्ट में जब मैं घर पहुंची तब मैसेज करते थे कि नहीं यू नो जो डील हुआ है उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बजट ये है, तो वो सडनली बजट बढ़ा देते थे ताकि वो समहाउ मैं मना कर दूंगी, ठीक है मैं नहीं ले रही हूँ घर. आई हैवंट यू नो डन, मैंने कभी कथक अपना नहीं दिखाया है. मैं कथक डांसर, ट्रेन कथक डांसर, मैंने विशारद किया है कथक में, तो आई वुड लव टू डू समथिंग यू नो रिलेटेड टू कथक. बिग बॉस पता नहीं, मैं बिग बॉस मटेरियल हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स. आई एम विजया तिवारी एंड टुडे आई हैव विद मी द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड चारू असोपा. चारू, वेलकम टू ई टाइम्स. थैंक यू विजया. एंड हाउ इज लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग? हम देख रहे हैं रील्स वगैरह तो देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमने आपका काम भी देखा है, तो यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ? नथिंग, आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस और अभी तो फिलहाल जियाना की नानी गई है, तो मेरा फुल स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि यू नो अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो थोड़ी क्रैंकी हो रही है, खाना खाने में थोड़ा यू नो परेशान करती है, बट देन हम दोनों मैनेज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. बट यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू सिंगल हैंडेडली यू नो हैंडल हर, योर प्रोफेशन, इट गेट्स डिफिकल्ट एट टाइम. समटाइम इट्स एग्जॉस्टिंग, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एज अ मदर. बट देन जैसे अभी दो दिन पहले मैं उसको खाना खिला रही थी और वो ठीक से खा नहीं रही थी, तो आई शाउटेड ज़ियाना एंड देन शी लुक्ड एट मी कि लाइक तुमने चिल्लाया मेरे ऊपर, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग. आई फेल सो अवेयर, आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग एंड देन आई वाज लाइक सॉरी 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 सॉरी. तो वो थोड़ा सा एज अ मदर ना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि पता नहीं कैसे हैंडल करे, समझ में नहीं आता है. राइट, सो समहाउ वो भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, बट हम दोनों सीख रहे हैं अभी. या सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, इज इट लाइक यू नो यू आर लर्निंग विद ईच डे because you don't have help here. वैसे तो you are connected with your family, but you don't have much help here to guide, you know, to guide you कि बच्चे को ऐसे पालो या वैसे पालो. So you're learning every day and job. हाँ, of course every day I'm learning something new. मतलब खाना चलो ये नहीं खा रही तो अब मैं कुछ खुद से एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ कि चलो आज बनाना के साथ ओट्स डाल देती हूँ, फिर कर्ड भी डाल देती हूँ, let's try this. तो I am also trying other things, you know. मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, शायद वो भी नए नए उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं. और जहाँ तक आपने बोला कि यू नो फैमिली सपोर्ट नहीं है, कि कोई बताने वाला नहीं है कि ऐसे करो या वैसे करो, उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि हर बच्चा अलग होता है. ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जिस तरह से बड़ा हुआ है ज़ियाना भी उसी तरह से बड़ी हो, क्योंकि वो एक अलग बच्ची है. और जैसे यू नो मदरहुड हर तरह का अलग होता है, चाइल्डहुड हर तरह का अलग होता है, तो कोई एक कोई बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के आप अपना यू नो पेरेंटिंग आप कंप्लीट कर सकते हो. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू लर्न थिंग्स साथ में. या राइट, यू शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस जैसे आपने बोला, वो कितना एक स्ट्रगल रहा अपने आप में, यू नो बीइंग अ सिंगल मदर, घर ढूंढना, बच्चे का भी ख्याल रखना, प्लस हमारी सोसाइटी में इतने टैबूज हैं, इतने यू नो अलग अलग सोच हैं, मिथ्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि एक्ट्रेसेस को घर नहीं देंगे, ऊपर से अगर आप सिंगल हो तो बिल्कुल नहीं देंगे, आपके ऑड आवर्स होंगे, ये होगा वो होगा, वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग रहा. और ये मैंने अपने जब मैं यू नो सिंगल एक्टर थी और सिंगल थी तब मैंने इतना फेस नहीं किया, बिकॉज चलो मिल जाएगा, जब आराम से ढूंढ लेंगे, चलता रहेगा, रोज़ घर देखने जाएंगे, चलेगा. बट विद ज़ियाना रोज़ घर ढूंढने जाना, घर देखना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था. और फिर घर फाइनल होते होते वो नहीं हो पाता था, बिकॉज यू नो आई एम अ सिंगल मदर, मैं ऊपर से एक्टर हूँ, right. तो लोग जल्दी से घर देते नहीं हैं और वो उनके फेस पे दिख जाता था. सो जब ज़ियाना को कई बार ज़ियाना को लेके साथ में जाती थी, इतनी गर्मी है, देन रास्ते में उसको भूख लग जाती थी, तो कार रोक के उसका पहले खाने का करते थे, वो मेरा घर देखना और डिले होता जाता था. सो मेनी थिंग्स हैपनिंग और थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी था, थोड़ा यूँ परेशान भी हो जाती थी, बट देन लगता था कि करना ही है, तो फिर यू नो somehow it happened. बट क्या क्या बातें सुनी लोगों की, क्या क्या रीजंस दिए? कुछ लोगों ने तो कवर अप कर दिया होगा, बट कुछ ने तो अपफ्रंट शायद बोल दिया होगा, वी कांट गिव यू. सब ऐसे कवर अप सामने सब बोल देते थे, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. लास्ट में जब मैं घर पहुंची तब मैसेज करते थे कि नहीं यू नो जो डील हुआ है उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बजट ये है, तो वो सडनली बजट बढ़ा देते थे ताकि वो समहाउ मैं मना कर दूंगी, ठीक है मैं नहीं ले रही हूँ घर.
सो दैट्स हाउ पता चल जाता था कि वो घर देने में इंटरेस्टेड नहीं है. कुछ ना कुछ वो घर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा कुछ मैसेज कर देते थे कि नहीं होगा. तो अभी सेटल हो गए हो नए घर में? यस यस, नाउ दीज ओनर्स आर वेरी गुड, दे आर साउथ इंडियन पीपल. वो लोग भी फैमिली है उनकी भी, उनकी भी एक छोटी बच्ची है, तो यू नो समहाउ दे आर आल्सो वेरी नाइस. एंड हाउ हैज थिंग्स चेंज फॉर यू, यू नो चारू, as far as acting field is concerned, career is concerned, you know, वैसे तो हमारी industry बदल रही है. Now it's no more a taboo कि आप, you know, mom बन गए हो तो आपके लिए roles limited हो गए हैं. अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, people are casting, लेकिन कुछ कुछ अभी भी हैं जो लोगों को लगता है कि शादी के बाद बच्चे के बाद change हो जाता है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हो या आप एक बच्चे की माँ हो या 10 बच्चों की माँ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे दिख रहे हो. वो आज भी फर्क पड़ता है हमारी इंडस्ट्री में. तो दैट्स ऑब्वियसली यू नो, अगर कोई स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो वो आप अच्छे दिखने चाहिए, शायद सही भी है. बट एक एक उनके दिमाग में एक फ्रेम है, एक इमेज है, उसमें वो फिट करेंगे. यू नो, अगर उनको पतली लड़की चाहिए तो वो पतली ही चाहिए. बट समहाउ मैंने जल्दी जल्दी रिड्यूस करके आई डिड जौहरी. लेकिन जौहरी करते करते भी ऐसा था कि मुझे यू नो एक पर्टिकुलर फिगर दिखाना है, एक यू नो उतना पतला होना पड़ेगा, फेस थोड़ा मोटा है थोड़ा पतला कर लो, थोड़ा रनिंग स्टार्ट कर दो. तो आपको पता चल जाता था कि यू नो अभी थोड़ी मोटी लग रही हूँ, थोड़ा और पतला करना है. या मैं ऑडिशंस पे जाती थी कई बार, तो बाकी लड़कियों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं इनको कम्पीट करने के लिए आई हूँ, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा तो रिड्यूस करना पड़ेगा. तो वो अपने आप आपको समझ में आने लगता है, और कई बार लोग आपको बोल देते हैं. तो बट वो स्ट्रगल रहा है टू फाइंड अ गुड रोल, बिकॉज यू नो एक तो आजकल वो भी हो गया है. आई वॉज टॉकिंग टू समवन द अदर डे एंड दैट एक्ट्रेस टोल्ड मी, आई वुड नॉट लाइक टू नेम हर, बट उन्होंने कहा मुझे कि जब आपके साथ एक टीवी का टैग जुड़ जाता है तो OTT में या फिल्म्स में जाना बहुत मुश्किल होता है. पीपल जज यू बाय दैट लेंस कि आप पे वो टैग लग गया है कि आप बहुत ओवर एक्सपोज हो, आपने टीवी पे बहुत काम कर लिया, अब आप नहीं जम पाओगे. एक टाइम ऐसा था जब मुझे सुनने को मिलता था कि आप सेमी नॉन हो, या आप सेमी नॉन हो, या आप अननोन हो, या आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता था. लेकिन आज के टाइम में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता. आजकल आपका टैलेंट देखते हैं कि आप यू नो ऑडिशन पे गए तो आपका एक्टिंग कैसा है, वो आई थिंक मैटर करता है. आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो मैटर करता है. तो लेकिन आजकल ये भी है कि सोशल मीडिया के आपके फॉलोअर्स देख के आपको रोल मिलते हैं, कई बार ऐसा भी होता है. सो कई बार अगर आप एक्टर अच्छे नहीं भी हो लेकिन आपके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हो. बट डू यू टेक दैट प्रेशर टू मेंटेन दैट कि यार सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहना है, आई हैव टू गेट नंबर्स, आई हैव टू गेट फॉलोअर्स? नहीं, अभी क्या हो रहा है ना कि बिकॉज आई एम अ मदर ऑल्सो, तो मैं कुछ भी करके मैं जियाना को अवॉइड नहीं कर सकती हूँ. तो उसके अलावा मुझे जो भी टाइम मिलता है, अगर मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, व्लॉग्स ऑब्वियसली मुझे बनाने पड़ेंगे चाहे मैं काम करूँ या ना करूँ, बिकॉज हमारा काम ऐसा है कि कभी है और कभी नहीं है. तो व्लॉगिंग मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ कि वो मैं घर बैठे बैठे कर सकती हूँ, बट जियाना में कर सकती हूँ. वो एक चीज़ है जो मैं अपने कम्फर्ट जोन में कर सकती हूँ. ट्रू. बाकी अगर मैं कुछ यू नो एक्टिंग वो कुछ प्रोजेक्ट लेती हूँ तो शायद मुझे जियाना को छोड़ के 12-12, 14-14 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ेगा. तो वो फिर मेरे लिए और स्ट्रेस हो जाता है कि जियाना घर पे क्या कर रही है, या उसको सेट पे बुलाती हूँ तो सेट पे उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. पर जब मैं जौहरी कर रही थी तो लकीली मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला. अगर वो सेट पर आती थी तो लोग उसे घर की तरह, मतलब एवरीबडी इज प्लेइंग विद जियाना, तो उसको ऐसे लगता नहीं था कि मैं कहाँ आ गई हूँ. तो यू नो या बट वो सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं होता कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि एक वो पोर्टफोलियो बन गया. अब ना वो कुछ और आपको पोर्टफोलियो कैरी करने की जरूरत नहीं है. अब आपका सोशल मीडिया स्क्रॉल करके देखते हैं लोग, अच्छे इतने फॉलोअर्स है चलो इनको कास्ट कर लो. वो आपको थोड़ा ड्रॉबैक लगता है एक्ट्रेस के साथ? मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि एज एन एक्टर आपके कितने फॉलोअर्स हैं. आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हो, आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्टिंग तो स्क्रीन पे पता चलेगी ना. आपके पिक्चर्स देख के कोई ये नहीं पता लगा सकता कि आप यू नो एक्टिंग कैसे करते हो, या एज एन एक्टर आप कैसे हो. सो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दैट्स नॉट राइट, अनफेयर है एक्टर्स के ऊपर. या क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर एग्जैक्टली बहुत जो सोशल मीडिया पे नहीं है तो फिर तो उन्हें काम मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है जी. तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट. राइट. एंड जैसे मैं पूछ रही थी कि लकीली यू हैव नॉट फेस्ड दैट चैलेंज ऑफ यू नो
एक टाइप कास्ट या लेबल लग जाना कि आप यही रोल्स कर सकते हो? लकीली वो अब तक आपके साथ नहीं हुआ है. अभी जब से मैंने अपना कमबैक किया है जौहरी के साथ, तब जौहरी में मैंने एक ऐसा रोल किया है जहाँ पे मैं एक 18 साल की लड़की से लेके मैं एक 40 साल की लेडी तक का मैंने किरदार निभाया है. तो एक पूरी जर्नी है वो. तो एकदम से जब मैं प्रेगनेंसी से मैं फर्स्ट शो कर रही थी तो उस टाइम मैं काफ़ी मोटी थी, तो फटाफट मैंने वेट रिड्यूस किया. तो हमने पहले कुछ सीन्स वैसे किए जहाँ पे यू नो बड़ा मुझे दिखाना था. तो धीरे धीरे जब एंड तक मेरा वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था तो मुझे करने में बड़ा मज़ा आया. और आई थिंक एक बार ये शो आएगा तो जो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि मैं मुझे टाइप कास्ट करने की, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ जौहरी के लिए लिटरली. क्योंकि और इसलिए मैं कोई और दूसरा प्रोजेक्ट अभी उठा नहीं रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग एक बार जौहरी देखें, मेरा काम देखें, फिर जज करें मेरे काम को. क्योंकि अभी जो काम आता है वो यू नो मैं उस तरह का काम नहीं करना चाहती हूँ. मैं एक्टिंग इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज आई लव डूइंग एक्टिंग, दैट्स माय पैशन. सिर्फ कमाने के लिए मुझे नहीं करना है. व्हाट आर द रोल्स दैट यू आर गेटिंग नाउ? What are the offers that are coming your way? All those, you know, जो मैं पहले कर चुकी हूँ अपने struggling time पे, you know, normal वही रोती हुई अबला नारी या एकदम negative roles. और अपने TV में अगर negative दिखाया है तो वो इतने depressing हो जाते हैं एक time के बाद में कि आपको लगता है कि I want to get out of this, you know. तो So you want to, you don't want to do experiment, but explore new. I want to do something new जो मैंने पहले कभी नहीं किया हो. I haven't, you know, done. मैंने कभी कथक अपना नहीं दिखाया है. I'm a कथक dancer, train कथक dancer. मैंने विशारद किया है कथक में. तो I would love to do something, you know, related to कथक. उमराव जान जैसा कुछ करना चाहूँगी. या पता नहीं. So what about reality shows? I would love to do it. अगर you know झलक दिखला जा या बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी. खतरों के झलक, बिग बॉस पता नहीं. मैं बिग बॉस मटेरियल हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता. तो बाकी झलक आई वुड लव टू डू, यू नो. खतरों भी मुझे बहुत पसंद है. पता नहीं मैं कितना फेस कर पाऊंगी, बट आई वुड लव टू डू खतरों. थोड़ा अपने ही फियर्स के साथ मुझे लड़ने को मिलेगा. यू नो आप अपने व्लॉग्स के जरिए अपने अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने लाइफ के बारे में हमेशा यू नो बताते रहते हैं, अपने फैंस को अपडेट करते रहते हैं. कुछ लोग आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, आपकी खुशी में वो खुश होते हैं, आपके सक्सेस में वो खुश होते हैं. बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जज बहुत जल्दी करते हैं. जैसे बीच में मैं आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें लोगों ने जियाना के ऊपर बातें करना शुरू कर दिया था कि ये बात नहीं करती, अभी तक चलती नहीं है, ये नहीं करती, हमेशा जज करते रहते हैं. व्हाट डू हैव टू से? मुझे लोग जज करते ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता. अब तो इतना जज कर चुके हैं कि कहते ना किसी को इतना मत डराओ कि किसी का डर ही मर जाए. तो उन्होंने मुझे इतना जज किया कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है. बट अब जब मेरी बेटी पे कोई उंगली उठाता है ना तो मुझे बहुत दुख पहुँचता है. तो वो बात नहीं करती है, वो दिखती बड़ी है, वो दिखती 3 साल की होगी लेकिन वो है तो 16 महीने की बच्ची ना. 1.5 साल भी नहीं हुआ उसको भी, 18वां महीना चल रहा है अभी उसका. तो वो 1.5 साल की बच्ची अभी कैसे बात करने लगेगी? मैंने तो किसी का नहीं सुना कि कोई 1.5 साल की बच्ची बात करे. थोड़ा दिखती बड़ी है क्योंकि उसके जीन्स ऐसे हैं. उसके दादा, उसके पापा, उसकी बुआ सब टॉल हैं तो इसलिए वो दिखती बड़ी है. बट देन मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो जियाना के लिए लोग ऐसे बात करते हैं. तो यू नो आप सुष्मिता मैम के बहुत क्लोज हैं एंड रिसेंटली शी वेंट थ्रू अ यू नो हेल्थ स्कार जो हमारे लिए भी बहुत डरावना चीज़ था. हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि हमने उनको एज डीवा हमेशा देखा है. अचानक से वो खबर आई तो बट वी हैव टू से शी इज़ अ फाइटर. आप क्या कहेंगे? शी इज़ अ फाइटर और हम पूरी फैमिली वी आर सो प्राउड ऑफ हर. क्योंकि आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम उनके लिए ना वो शी फाइट्स इट आउट. तो शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बींग एंड आई विल मैं कभी उनसे बात कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन शी इज़ ऑलवेज क्लोज टू माई हार्ट. एंड जब भी मैं उनको मिलती हूँ, जब मुझे हग करती है ना, इट्स अ वॉर्म हग और ऐसे इतना अच्छा फील होता है ना, आई कैन इवन टेल यू. और जियाना में उनके बहुत सारे गुण हैं. हाँ हाँ बिल्कुल. जिस तरह जितनी स्ट्रांग मुझे वो लगती है ना, मुझे जियाना भी उतनी स्ट्रांग लगती है. और मुझे लगता है कि जियाना में काफ़ी सारे गुण हैं उनके. बट आप लोगों के लिए भी आई एम श्योर बहुत शॉकिंग होगा जब वो न्यूज़ आई उनके हेल्थ केयर के बारे में. तो आपको तो मतलब आप लोग इतने
एज अ फैमिली आप खासकर आपने हमेशा मेंटेन किया चारू, दिस आई विल से दैट यू नो यू हैव नेवर लेट एनीथिंग अफेक्ट योर बॉन्ड विद बीट सुष्मिता मैम, बीट विद अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बीट विद बाबा जिनको आप अभी भी बाबा कहती हैं एड्रेस करते हुए. सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट. तो यू नो आपके लिए कितना शॉकिंग था जब वो न्यूज़ आई और जब आपको पता चला? सो इसके बारे में शायद फैमिली में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि दीदी ने शायद किसी को बताया नहीं था, बिकॉज व्हेन इट हैपेंड वो जयपुर में थी, और जयपुर में जब ये हुआ तो शायद ये उस टाइम किसी और को बता पाती, इससे पहले उन्होंने खुद ही यू नो डॉक्टर्स को कॉल किया और ये सब हुआ. तो जब हम लोग को पता चला तो आई वॉज शैट, आई लिटरली कॉल माई मदर इन लॉ, मैंने मम्मा को कॉल करके बोला मम्मा ऐसे ऐसे सुन रही हूँ, तो मम्मा ने बोला कि हाँ हाँ ऐसा हुआ है बट नाउ शी इज़ फाइन यू नो, आई वॉज लाइक ओके. हाँ या आई एम श्योर कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप सब लोगों को ऐसे शॉक लगा. राइट. एंड यू नो डू दीज थिंग्स मेक यू मोर अवेयर अबाउट योर हेल्थ कहीं ना कहीं चारू, क्योंकि हमने कोविड टाइम में इतना कुछ देख लिया है सब ने, यू नो बीट मेंटल हेल्थ फिजिकल, हम हमारे आसपास के लोगों ने इतने लोगों को खोया है कि कहीं ना कहीं लाइफ को देखने का एक अलग नज़रिया मिल गया है. आई थिंक हाँ सबको ही यू नो सब हर कोई अपनी हेल्थ को लेके थोड़े अवेयर हो गए हैं आफ्टर स्पेशली कोविड. मुझे लगता है कि हर कोई थोड़ा अवेयर हो गए हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं. अभी भी कुछ लोग मास्क लगा के ही घूमते हैं, एयरपोर्ट में मैं देखती हूँ काफ़ी लोग मास्क लगा के रखते हैं. तो है लोग अवेयर हो गए हैं और अच्छी बात है ना. थोड़ा हम हमेशा भागते रहते थे, भागते रहते हैं काम के पीछे पैसे के पीछे, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि अपनी हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप पैसा कमा भी लोगे तो वो आपकी हेल्थ को ठीक करने में ही जाएगा. हाँ, या फिर खर्च करने के लिए एंजॉय नहीं जा कर पाओगे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ रोल्स यू वांट टू डू नाउ, जैसे आपने बोला कि मैं जौहरी का वेट कर रही हूँ कि लोग उसके लिए देखें, लेकिन आई एम श्योर कि अभी भी आपको टिपिकल सास बहू रोल्स तो आते होंगे. आते हैं, बहुत आते हैं. हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टर्न देम डाउन बिकॉज यू नीड मनी एट दिस टाइम, यू नो वो एक स्ट्रगल क्या किस तरीके का है चारू, की जब आपको पता है कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है, यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को देखना है, एक लाइफ है. यू ना कि फॉर मनी मैं ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहती हूँ जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे एक दो रोल्स ऐसे आए हैं जहाँ पर वही बेसिक. आज भी मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत बार ऐसे मैं स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद भी इतना मैंने ब्रेक लिया बीच में तो, लेकिन टीवी बदला नहीं है, टीवी स्टिल सेम. आज भी जब स्क्रिप्ट भेजते हैं वो बोलते हैं कि हमें जब भी बैठ के गीत चाहिए. आई मीन वो ये उनका तरीका है कि हमें यू नो सोनम कपूर का ये रोल, ये हमें लड़की चाहिए, तो रेफरेंस वो लोग देते हैं. आप अपना स्क्रिप्ट देखो और सामने वाला अपने हिसाब से परफॉर्म करे, एटलीस्ट एक लिबर्टी. कॉपी तो किसी को नहीं करना ना हमको, एवरीवन हम कुछ नया दिखाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं. तो आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये है कि आप एक स्क्रिप्ट भेजते हो उसके बाद में आप बोलते हो कि हमें जब भी मटके गीत की तरह एक्टिंग करके दिखाओ, वो तो कोई भी कर देगा. जी बिल्कुल. वो तो मूवी जिसने देखा होगा वो तो हर कोई कर देगा, तो आप नया क्या दिखा रहे हो ऑडियंस को. जी जी. तो वहाँ मुझे लगता है कि टीवी आज भी थोड़ा सेम ही है जैसा कुछ सालों पहले था. तो बट वो इनसिक्योरिटी क्रीप इन करती है कि अगर मैंने काम नहीं लिया, यू नो व्लॉग तो मैं कर रही हूँ, चलो वहाँ से मुझे थोड़ी हेल्प मिल रही है, बट यू नो अभी तो ज़्याना छोटी है, बट आगे जाके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी. exactly. उनका जब स्कूल शुरू होगा, यू नो एक अलग बच्चों के पीछे बहुत पैसा जाता है, यू नो एंड अभी से इतना जाता है. मैं तो यू नो द अदर डे आई वाज टेलिंग माय यू नो फ्रेंड कि जब स्कूलिंग स्टार्ट होगा तब तो और 10 खर्चे आने वाले हैं. अभी तो यू नो इट्स जस्ट यू नो बेसिक डायपर्स एंड यू नो मिल्क एंड फूड एवरीथिंग, तो अभी तो बढ़ने वाला है सब कुछ. तो वो इनसिक्योरिटी क्रीप इन होती है कि बिल्कुल होती है, यू नो व्हाट इफ अगर मैंने अभी काम नहीं लिया, तो वो कैसे आप मेंटेन करते हो. सो उसको मैं ये कर रही हूँ कि आई एम डूइंग अदर थिंग्स. मैं कैंपेन्स कर रही हूँ आजकल सोशल मीडिया का, ये एक अच्छा यू नो कि आपको थोड़े बहुत कैंपेन्स रील्स बनाने के मिल जाते हैं, थोड़े बहुत यू नो कुछ चीज़ें पोस्ट करने के आपको अच्छे कैंपेन्स मिल जाते हैं. यूट्यूब है, यूट्यूब पे इंटीग्रेटेड वीडियोस आपको मिल जाते हैं, तो समहाउ मैनेज होता है. और जब तक हो रहा है मैं कर रही हूँ, जब नहीं हो पाएगा तो आई थिंक आई विल टेक सास बहू.
roles. Haan. Are you also trying for films and OTT? OTT, yes. Films, I don't know. अभी तक तो ऐसा कुछ offer नहीं किया है मुझे किसी ने. But OTT, yes. But आप try करना चाहोगे if you get a chance? Yes, of course, I would love it. Yeah. What is your dream role? मैंने अभी आपको बताया, you know, उमराव जान या अनारकली kind of a role. Otherwise, सब कुछ ऐसा रोल जहाँ पर यू नो तब्बू ने अभी एक बहुत अच्छा रोल किया था. तब्बू जी का एक बहुत अच्छा रोल था वेयर शी प्लेड पुलिस इंस्पेक्टर. तो आई डोंट रिमेंबर द भोला सीरीज थी एक शायद. अच्छा सीरीज थी. हाँ ओके. सो आई रियली लव्ड हर रोल. तो मैं ऐसा कुछ वो अर्जुन कपूर वाला जो था आई थिंक. हाँ हाँ कुत्ते आई थिंक. हाँ हाँ एग्जैक्टली. सो समथिंग लाइक दैट यू नो. थोड़ा डिफरेंट जो मैंने पहले कभी नहीं किया. मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगी एज एन एक्टर ना. राइट ट्रू. यू नो जस्ट बिफोर रैपिंग अप कल हमने देखा वीडियो आपका और राजीव का साथ में एंड पीपल स्टार्टेड नीचे कमेंटिंग यू नो दे लव टू दे वुड लव टू सी यू गाइस बैक टुगेदर. क्या कहना चाहोगे जब लोग प्यार करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि यू नो इंडिविजुअल लाइफ भी है आप दोनों की. एग्जैक्टली. तो उसके लिए मैं अब क्या बोलूँगी. यू नो जियाना जो है वो हम दोनों की बच्ची है. तो राजीव जब चाहे उससे आके मिल सकते हैं. मैं हमेशा ये बोलती हूँ जब चाहे आके मिल सकते हैं, जब चाहे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं. अगर वो चाहते हैं तो मैं जियाना को भेज सकती हूँ. मैंने अभी भेजा भी था यू नो जियाना को राजीव के घर पे. तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट हम दोनों का साथ अब उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ. बट यू थिंक ये बेटर है इस तरीके से जो जिस तरीके से को पेरेंटिंग आप दोनों कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप दोनों एक ऐसे मोड पर अब आ गए हो कि आप दोनों को समझ आ गया कि दिस इज द बेस्ट फॉर द चाइल्ड. बच्ची हम दोनों को साथ में ऐसे देखे कि हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. मैं नहीं चाहती कि वो हम दोनों को एक ऐसा रिलेशन शेयर करते हुए रिलेशनशिप शेयर करते हुए देखे जहाँ पर ना वो खुश है ना मैं खुश हूँ और वो बच्चे के लिए भी टॉक्सिक हो जाए. तो इससे अच्छा ये दिस इज बेटर नो. या ट्रू ट्रू. जाने से पहले फैंस को कुछ कहना चाहेंगी बिफोर रैपिंग अप दिस इंटरव्यू? बस जौहरी आ रहा है और आपने मेरे हर किरदार को जितना प्यार किया है प्लीज जौहरी को भी कीजिए. और या दैट्स इट. थैंक यू.